सरफराज सफदर गनाई जे के अलमी न्यूज़ से। तो सबसे पहले मैं नाज़रीन को अपने बता दूं कि अभी तक हमारा चैनल जे के अलमी न्यूज़ का सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले। और आज हम जिस मौजू पर आज हम न्यूज़ पूरी खबर बनाने जा रहे हैं वो ये है कि इस वक्त बहुत सारी लेबर जो बाहर रियासतों में बैरून रियासतों में फंसी हुई है, कई मुरादाबाद यूपी में है, कई इलाहाबाद में है, के राजस्थान में है, जहाँ जहाँ भी जिन रियासतों के अंदर है इस पर लोग बैरून रियासत में फंसे हुए उनके बारे में आज हमारी ये खबर बन रही है। सबसे पहले हम अगर हम बात करें COVID-19 की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं, अपने घरों का रुख करना चाहते हैं, घरों को आना चाहते हैं, लेकिन वो घरों में नहीं पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी वजह यही है, इस वक्त लॉकडाउन है जो 3 मई तक चलेगा। आप देखेंगे नाज़रीन के जे के अलमी न्यूज़ की जो खबर है ये आपको बताएगी और आगाह करेगी उन लोगों के बारे में, और हम उनकी खबर भी हम देखेंगे, उनकी वीडियो भी हम देखेंगे अपने चैनल पर। तो हम आपसे रुखसी चाहेंगे और जाते जाते हम आपको ये बता दें कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जे के अलमी न्यूज़ के। खुदा हाफिज़। हेलो नमस्ते, मेरा नाम लाल है और मैं तहसील बनी का रहने वाला है। अज 14 मार्च तो लेके अज तक हड़ताल शुरू कर दी है। साड़ी जे एंड के हाली सरकार कुछ नहीं करे करती है। मिगी नहीं, तुम सारे लोग पूछ सकते हैं कि नहीं के समस्या हो करती है। बस हाँ भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमित कुमार है। क्या समस्या आपकी? मेरी समस्या है कि जहाँ पे जो यूपी में हम कम से कम भी 14-24 से लेकर आज पहली तक चलेगी है, तो यहाँ पे कुछ खाने के लिए व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हमारे जो MLA साहब है वो बोल रहे हैं कि जहीं पे हैं वहीं पे बैठे रहो, खाने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं है, हम यहाँ पे बैठ कर करेंगे क्या? अगर हमारे लिए कोई व्यवस्था की जाए तो हम इसलिए बैठ भी सकते हैं, अगर बैठने की कोई संभावना नहीं बन पा रही। यहाँ से दिल्ली तक तो बोले जाने के लिए बोल रहे हैं, दिल्ली से आगे कैसे जाएंगे हम? यहाँ से आगे दिल्ली के लिए तो हम चले जाएंगे, यहाँ से आगे दिल्ली से आगे के लिए हमें गाड़ी नहीं कुछ नहीं, आगे जाके हम क्या करेंगे? दिल्ली में खाने के लिए कुछ नहीं होगा, जो 10-20 रुपये होंगे जेब में वो भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो हम करेंगे क्या उसकी वजह से? अब क्या समस्या है आपकी? समस्या है कि हमको जैसे मर्जी वैसे घर तक पहुँचा दिया जाए। ठीक है। नमस्कार सर, क्या समस्या है आपकी? किशोरी लाल बोल रहा हूँ वहीं से, लेकिन हमारी समस्या ये है साहब, हम लोग फंसे हुए हैं आज 3-4 दिन से, हमारा खाना पोषण जो है वो बंद हो चुका है। अभी हम लोग जो हैं बहुत परेशान हो चुके हैं, रोड पर आने की संभावना हमारी बन चुकी है, लेकिन हम तो अपने MLA साहब को ये बोलना चाहते हैं कि जल्दी तो जल्दी जड़ा अपनी कार्रवाई जड़ी सब शुरू कर दिया। ठीक है, और जड़ा तुझे बल्लू कर दिया अपने मुँह हथों रह के पीठी इन पीठी फंसे रहा, लेकिन ऐसा ना हो सकता सर की ना हो सकती है कि ऐसे 2500-3000 अपने बनी ब्लाक और बलावर और जरा जम्मू कश्मीर जितना आज इनके 2500-3000 लोग ऐसे फंस चुके हैं इस टाइम पर, और 7-8 रोज बस भी गया बीच में कि आके अस वो 7-8 रोज तो अस कुछ ना जिनके 2-4 रोज मुड़ी थी असू रोटी, लेकिन सब सिर्फ रोटी मुड़ी थी, बाकी असू जिनके कोई भी पता ना लग कर दी सर ऐसे करूँगा इनका दिमाग भी पूछ गया। लेकिन आग गाला अगर तू से तेरा हल कर दिया तो ठीक है, अगर ना करता है तो तुझे समस्या नहीं दे रहा क्या है? बहुत बुरे फंस चुके हैं और बहुत बुरी कंडीशन बनी, और हो सका सर दस को भी छुपा इसी तरह का विकास करता और सब छुपा सारी गलती भी देखनी थी, कोई गड्डी ना चालू कर दी ये सब कुछ लोग प्राण सर जनाब अस गच्छ तक छुका रहा इनकी कोई संभावना ना बन कर दी है। अगर तुझ मतलब कोई राह आ टेरे दस को दस हमारा अगर ना दस दे तो ठीक है, जरा वायरस लगी चुक रहा सो तो लगू रही है, लेकिन जरा अब रुकने की वजह से लगना तो सब सर तू सेर लिया बेटा लागू सर आऊँ के बल्ले सकूँ आप खुद इटा हेरू करते इं मासूम इंसान वाली जानना हेरू करते क्योंकि अस सब लोग फंसी चुके हैं इस टाइम पर ठीक, और अस कुछ ना कर सकते हैं और सेवा इंदे जरा यार निगे करता शब्द आज दो रोज रुकने वो बेचुरा छू, लेकिन कोई सुविधा नहीं है, सेठ वैसु डंडा मार कर बाहर कर दीते की करे क्योंकि तेस मतलब इतने थे आल्टी नहीं आए जितना से कमूर दो रोज जरा पैसा जितना से खाए रखू जनाब। अपील सुनी सकते तो सुना ना सुन सकते ठीक है, जेड़ा तेई बलू रहा जहाँ तुसे जेड़ा भी बलू रहा ठीक है, जिठी इन तिठी हरे अस जिठी इन तिठी हरे उरे हूँ अस तिठी हरे गाना ठीक है, अस देश के लिए जान भी दे दिल है, लेकिन कोरोना वायरस ना जेड़ी वायरस लगू रहा कोई इटेरी वजह से ना ब्रुक करी वजह से बुझ सकता कि अस लोग जेड़े ना बुझ सकता हद पुजना मुश्किल अगर ये जो हूँ टाइम मारा बुझ सकता था। नमस्कार सर, जरा आगू मेरी कोई अपील नहीं। नमस्ते सर, मैं नरेश कुमार दिलंगल बोले करता सर,
सारे पहले सर ये गल है कि अस इतने 50 बंदा सारी स्कूल च तो अज 5-6 दिन हुए रोटी के बगैर तो सारे बंदे रोटी बगैर न फाके मरे करते सर तो थोड़े अगे ये अपील करना चाहते सर कि साड़ा कोई साधन घरे आने का बना थोड़ा अगर बड़ा शुक्रिया अदा जय हिंद एमएलए साहब बनी।